पाकुड़ जिला मुख्यालय के परिसदन भवन में भाजपा की ओर से प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया और प्रेस वार्ता में शामिल हुए राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी सरकार की क्रियाकलापों को लेकर निशाना साधा। तो वहीं उन्होंने कहा कि संथाल परगना से सोरेन परिवार को विदा करने का समय आ चुका है। उन्होंने ये भी कहा कि देखा जाए तो राज्य की हेमंत सरकार में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। भाजपा के शासनकाल में जहां नक्सली अंतिम सांस गिन रहे थे, वहीं हेमंत सोरेन की सरकार बनते ही कई उग्रवाद की घटना घट चुकी है। मरांडी ने कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार ने विरोधियों को रोकने के लिए उन पर मुकदमा दर्ज करवा रही है। मरांडी ने यह भी कहा कि राज्य सरकार अब तक पंचायत चुनाव नहीं करवा पाई है और इसके कारण पंचायत का विकास पूरी तरह से अवरुद्ध है। यहाँ अन्य राज्य में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं तो ऐसे में इस राज्य में पंचायत चुनाव करवाने में भला क्या परेशानी है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि यदि देखा जाए तो राज्य में लगातार भीड़ के द्वारा हत्या करने का मामला सामने आ रहा है। इसके साथ साथ राज्य में बहु बेटियां सुरक्षित नहीं है। राज्य सरकार के दबाव के कारण पुलिस सही से काम नहीं कर पा रही है। अगर एक एक घटना के मैं यहाँ उल्लेख करूँ तो गिरिडीह जिला ही लीजिए, पीरटांड में दो क्या बोलते हैं टेलीफोन टावर को उड़ा दिया, दो पुल को उड़ा दिया, कई एक जगहों पर मुठभेड़ हो गई। पश्चिम सिंहभूम की तो आपको बताए, जब इनकी सरकार बनते ही वहाँ 8-9 ट्राइबलों की हत्या हुई थी सामूहिक रूप से। मुझे लगता है कि दिसंबर में वो सरकार बनी थी और जनवरी में एक महीना भी शायद संभवतया नहीं हुआ था उस समय ही घटना, तो 10 तक उसी समय लोगों ने देख लिया। फिर लाहौर दगा गुमला इन सब इलाकों में तो कई एक घटनाएं होती। क्या सरकार दो थाना के पुलिस वहाँ उपस्थित रहती है, घर से उनको निकाला जाता है, पीटा जाता है, मारा जाता है, सामने हाट में लकड़ी जमा रहता है, उसी में आग लगा करके वहीं खुद चला जाता है। पुलिस मुख्य दर्शक बनी रही, उनकी पत्नी, उनके माँ, उनके भाई पुलिस के पैर पकड़ते रहे, आसमानी फायरिंग को कब से कर, मेरे पति को बचा ले, मेरे बेटे को बचा ले। पुलिस कहती है, एसपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं 6 लोगों ने मिल करके मारा, लेकिन मॉब लिंचिंग है इसको एफआईआर में दर्ज नहीं करते। अब दोनों कितना कंट्राडिक्ट। जब झारखंड सरकार ने विधानसभा से बिल पारित किया उसमें उन्होंने कहा कि वे 2 से अधिक लोग रहेंगे तो उसको मॉब माना जाएगा, जबकि कानून में 2 से अधिक का प्रावधान नहीं है। आप सब लोग जानते होंगे 144 भी हो सकता है, तो कहता है 5 से अधिक लोग अगर कहीं इकट्ठे होते हैं तो उसके ऊपर मतलब 5 से अधिक का मॉब तो ऐसे भी अगर हम पुराने कानून के हिसाब से, लेकिन तब भी लोगों को बचा लेते। सरकार के अंदर संवेदना तो नहीं थी, लेकिन समाज या बाकी लोग जाकर के मिले तो फिर प्रतिबंध लगा दिए। फिर 2 दिन पहले आप सबको ध्यान में है कि 16 तारीख को जब कपिल मिश्रा दिल्ली से आए, हवाई अड्डा से उनको निकलने दिए, वहीं से उनको वापस कर दिए। बरही में जब 6 तारीख को घटना घटी तो 1-2 नहीं 4-4 जिला में नेट को बंद कर दिया। यानी किस प्रकार से सरकार काम कर रही है ये आप समझ सकते, कानून व्यवस्था बुरी तरह से राज्य में ध्वस्त है। हर तक अनाज पहुंचाने की बात, पूर्व की जो रक्षा की सरकार थी वो पहुंचा रहे थे, वो भी नहीं पहुंच रहा है। साहिबगंज में तो लोग बताया, यहाँ हमने पता नहीं किया, बाकी आप सब लोग जानते हो। तो ये हालत है, पिछले बार भी जो आए थे उस समय भी बताए थे यहाँ किस प्रकार से लूट मची हुई। और जब लूटने में खुद ही सोरेन परिवार लगे हो, शिव सोरेन परिवार नहीं तो सब सोरेन को मेरा नहीं कहना है, तो ये हालत है इस राज्य। वो कहते हैं ना कि बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ क्या बोलते हैं, सुबह नजर भाई उनके भाई के नाम से आपके पाकुड़ में लोग बोलते हैं 300 एकड़ या कितना जमीन लिए हुए हैं क्या ली। पिछले बार उसमें भी इलीगल हुआ, उसके कारण उनके ऊपर 14 करोड़ की जुर्माना हुआ, बाद में रीअसेसमेंट हुआ तो फिर भी 8 करोड़ है, वो भी समाप्त कराना चाहते। कायदे से तो वहां पर आप कोई लीज या क्या बोलते हैं उसको चलान भी इशू नहीं हो सकता जब तक फाइन जमा नहीं करे। लेकिन मेरी जानकारी मिली है कि भाई आज भी खुदाई हो रहा है, बांग्लादेश को पत्थर जा रहा है,
शिकारी पाड़ा से लेकर के जहां भी रेलवे स्टेशन है, लोग बोलता है कि भाई शिवू सोरेन के परिवार को अगर पैसा नहीं मिलेगा तो वहां रेक रोड नहीं हो सकता। ये हालत है इस राज्य की, क्योंकि पुलिस अब अपना काम छोड़ करके बाकी सब काम कर रही है। मैंने बार बार कहा कि टूल्स की तरह पुलिस को इन्होंने उपयोग कर रही है, पुलिस को इन्होंने वसूली में लगा रखे, इसमें कहीं कोई शक नहीं। ट्रांसफर पोस्टिंग में इस प्रकार की लेन देन हो रही है जिसका कोई हिसाब किताब नहीं, आप लोगों के हमें खबर आते हो, तो ये हालत है। और इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि जो कि आज इस प्रदेश में जो सरकार है, हेमंत सोरेन की नेतृत्व सरकार है, हेमंत सोरेन बुरी तरह से अपराधियों और दलालों से घिरे हुए। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।